कभी कभी हमारे नेता जोश में बोलते समय ऐसा कुछ कह डालते हैं जिससे उनसे ज्यादा उनके विरोधी खुश होते हैं। कुछ ऐसा ही किया है बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने, जिनका ताजा बयान उन्हीं की सरकार और पार्टी के लिए बड़ा सिरदर्द बन सकता है, जिसे कांग्रेस और बढ़ाने का काम कर रही है। गडकरी का ये बयान 2014 के चुनाव से पहले किए गए बीजेपी के वादों को लेकर है। दरअसल गडकरी ने एक मराठी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने चुनाव से पहले क्यों जनता से वादे किए थे। गडकरी ने कहा कि हम इस बात से पूरी तरह आश्वस्त थे कि हम कभी सत्ता में नहीं आएंगे, इसलिए हमें बड़े बड़े वादे करने की सलाह दी गई थी। अब जब हम सत्ता में हैं, जनता हमें उन वादों के बारे में याद दिलाती है, हालांकि अब हम इस पर हंसकर आगे बढ़ जाते हैं। वहीं गडकरी के इस बयान को कांग्रेस हाथों हाथ लेते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गडकरी के वीडियो क्लिप को ट्वीट करते हुए कहा कि गडकरी ने एकदम सही फरमाया। आपको बता दें कि पीएम मोदी 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी रैलियों में काला धन वापस लाने और 15 लाख रुपए खाते में आने की बात कहते थे। बहरहाल गडकरी ने ये बयान देकर कांग्रेस की ही मुराद पूरी कर दी, जो कि पहले से ही बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाती रही है। ऐसे में सबकी नजर अब बीजेपी के अगले कदम पर होगी।